अब जैसे जैसे वर्ल्ड कप का सफर आगे बढ़ता जा रहा है, वैसे वैसे इस दूसरे राउंड में क्वालिफाई नहीं कर सकी टीमों में हार के साइड इफेक्ट दिखने लगे हैं। जी हाँ दोस्तों, इस मेगा इवेंट के पहले ही राउंड में तीन टीमों ने अपना दम तोड़ दिया है, जिसमें दो वर्ल्ड चैंपियन श्रीलंका और पाकिस्तान रही है, तो तीसरी टीम न्यूजीलैंड की रही है। वर्ल्ड क्रिकेट में करंट टाइम में सबसे बेहतरीन और बैलेंस टीम वाली टीम न्यूजीलैंड के लिए इस वर्ल्ड कप से बाहर होना बहुत ही बड़ा झटका है और सरप्राइजिंग भी रहा है। न्यूजीलैंड के वर्ल्ड कप में हुई शर्मनाक हार के बाद अब उनकी टीम में भूचाल आता दिखाई दे रहा है, जहां कैप्टन केन विलियमसन ने व्हाइट बॉल क्रिकेट की कैप्टनसी को सडनली क्विट कर दिया है। न्यूजीलैंड पिछले कुछ सालों से लगातार आईसीसी इवेंट्स में कम से कम टॉप फोर में खेलते हुए नजर आई, लेकिन इस बार टीम को निराशा का सामना करना पड़ा। अपनी टीम के खराब प्रदर्शन के बाद केन विलियमसन ने व्हाइट बॉल की न सिर्फ कैप्टनसी छोड़ी, बल्कि उन्होंने एक और कदम आगे बढ़ते हुए न्यूजीलैंड क्रिकेट बोर्ड के सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट को भी तोड़ दिया है। ब्लैक कैप्स टीम के 2024 से 2025 के सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट से केन विलियमसन ने नाता तोड़ दिया है। उनका ये फैसला हर किसी को हैरान कर रहा है। हालांकि इस कदम के बाद उन्होंने ये क्लियर कर दिया है कि वो न्यूजीलैंड के लिए आने वाले वक्त में तीनों ही फॉर्मेट में खेलते रहेंगे। केन विलियमसन की बात करें तो उन्होंने पहले से ही टेस्ट फॉर्मेट की कप्तानी छोड़ दी थी, अब उन्होंने सभी फॉर्मेट की कप्तानी से तौबा कर लिया है, जिसके बाद अब न्यूजीलैंड के लिए आने वाले वक्त में नए कैप्टन की तलाश रहेगी। ये देखना दिलचस्प होगा कि व्हाइट बॉल क्रिकेट की कैप्टनशिप किसे मिलती है। केन विलियमसन के इस स्टेप को लेकर आप क्या कुछ कहेंगे, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, और ऐसी वीडियोस के लिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करिएगा।